अज्ञानता और सृष्टि के विनाशकारी संतों के महागुरु प्रभु शिव शंकर की कृपा अगर किसी मनुष्य पर हो तो उसे किस बात का भय, प्रभु के दर्शन हो ना हो, इनके निवास स्थान के दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत न हो, लेकिन इसके सामने बाकी सारे पर्वत फीके पड़ जाते हैं। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य या मनुष्य की बनाई मशीन इस पर नहीं चढ़ पाई है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है, और यही एक वजह है कि इससे जुड़े सारे के सारे रहस्य अभी तक बेनकाब नहीं हो पाए, चाहे वो दिव्य शक्तियां हो या कोई वैज्ञानिक उलझन। आज के इस एपिसोड में हम इस रहस्यमय पर्वत के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य को उजागर करेंगे जिसे जानकर आप कांप उठेंगे। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र यानी एक्सिस माना जाता है। ये पर्वत सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है। इस पर्वत पर सारी दिशाएं मिल जाती हैं और दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म होता है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 6714 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भले ही ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है। जी हाँ, शिवलिंग के आकार का ये पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। जब बर्फ से ढके हुए इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। कैलाश मानसरोवर, जिसे स्वयं भू भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्राचीन मानसरोवर है जो कैलाश पर्वत में स्थित है। धरती के स्थल पर हवाओं और ध्वनियों की तरंगों का कुछ इस तरह मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। कैलाश पर्वत की चोटी भी दिशा दिखाने वाले कंपास की तरह है। इसी वजह से यहाँ से चार नदियों का उद्गम भी हुआ है, जिनके नाम है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा, जो पूरे विश्व के चार भागों को दर्शाता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर इंसान और भगवान का मिलन होता है, लेकिन आज तक कोई सफलतापूर्वक इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों का मानना है कि वो अक्सर आंधी तूफानों के कारणवश खो जाते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि कैलाश पर्वत अपनी जगह हर वक्त बदलता रहता है। जिसकी शक्तियों का कोई पार नहीं, उनके निवास पर बिना उनकी आज्ञा के कोई आ जाए, ऐसा वो होने नहीं देंगे। कैलाश पर्वत की एक और खासियत है कि ये एक नहीं बल्कि चार अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, जिसमें से एक पदार्थ सोना भी है। छह पर्वतों से घिरा हुआ कैलाश पर्वत एक कमल की तरह दिखता है। यही नहीं बल्कि गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तब इस पर्वत पर ओम का चिन्ह दिखता है, मानो जैसे सूर्य भी भोलेनाथ को नमन कर रहे हों। कैलाश पर्वत पर दो तालाब स्थित हैं जो अपने आप में ही विचित्र हैं। दैव्य तल जो सूर्य के आकार का है और राक्षस तल जो चंद्र के आकार का है, दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब होने पर भी भौगोलिक तौर पर बहुत ही अलग हैं। एक पर जीवन जैसे अपने आप में ही सौंदर्य है और दूसरा जहां एक भी जीवित प्राणी नहीं देखने को मिलता।